हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक, रीडिंग का टॉपिक यही है। पूरी तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है, कार्ड्स निकालते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, इमोशनल विड्रॉल। विड्रॉल है, मैं थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में बोलने लगी थी। सो नंबर 8 है यहाँ पे आप लोगों का, मुझे जहाँ तक दिख रहा है नंबर 8 से रिलेटेड आपका हो सकता है। हो सकता है कि अगस्त के महीने में आप लोग का ब्रेकअप हुआ हो कुछ लोगों का, क्योंकि यहाँ पे सैड वाली एनर्जी है, या फिर आपने अगस्त के महीने में डिसाइड किया था कि अब आप इस रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे और अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपने फैमिली पे ध्यान देंगे। आपने पूरी तरीके से अपने आप के ऊपर ध्यान देने का सोच रखा था। ठीक है, आपने सोच रखा है, अभी भी मैं देखूँ तो आपने सोच रखा है कि जो भी ध्यान है, जो भी फीलिंग्स है या जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो मैं अपने जो सिचुएशन है या जो मेरा अभी फ़िलहाल जो चल रहा है करंट लाइफ, वो कहीं ना कहीं आप जो है इन्वॉल्व होना चाहते हो। चलिए देखते हैं कार्ड्स। डिस्ट्रप्शन का कार्ड है यहाँ पे, नंबर 16 है। टेम्पटेशन का कार्ड है, मैं पहले ही कार्ड देख के समझ गई थी कि ये कार्ड ज़रूर आया होगा। ये देखो क्या हो रहा है यार, नंबर 3 का कार्ड, हार्टलेस एंड लॉस, एंड फाइनली पॉजिटिव कार्ड तो आया है। पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए आया है। मैं बाद में देखूंगी आप क्या सोच रहे हो, पहले आपके पार्टनर की बातें हम करेंगे। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है आपके पार्टनर का। हालांकि चार मेजर अरकानाज आए हैं, चार मेजर अरकानाज इस रीडिंग में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। और मेजर अरकाना आए हैं तो आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचकर, मैं आपको बताती हूँ क्या सोच रहे हैं पर्सन। देखो आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं अपने आप को, ये पर्सन अपने आप को कैद कर चुके हैं, यानी कि इनकी मजबूरी हो या फिर कुछ और हो, बट ये पर्सन जो है ना यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे किसी ने कैद कर लिया है और मैं जो है यहाँ से बाहर चाह के भी नहीं निकल सकता। मैं यहाँ चाह के भी कैसे निकलूँ, कैसे बाहर निकलूँ। ये पर्सन अपने आप को खोजते हुए, अपने आप को जानते हुए नज़र आ रहे हैं, कि अपने आप को फील कर रहे हैं कि यार मैं बेचारा हो गया हूँ, बेचारी हो गई हूँ, मैं कैसे निकलूँगी, मैं कैसे डील करूँगी, मैं कैसे क्या करूँगी। आपके पार्टनर ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से ये पर्सन को आगे तो बढ़ना है लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, एक्शन तो लेना है, बहुत मन है एक्शन लेने का, डिसीजन लेने का, बट ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो ये बातें हैं, जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब कर रही है। आप दोनों को ही आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा निगेटिव हो चुके हैं, इतना ज़्यादा निगेटिव इनके एनर्जी हो चुकी है कि ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को
इस गंदगी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यानी कि कहें तो आपके पार्टनर जहाँ भी कहीं हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। इनके अंदर इनकी बुरी आदतें इनको परेशान कर रही हैं, इनको हेडेक दे रही हैं। आपके गैर मौजूदगी में ये पर्सन ने क्या क्या किया है ये सोच करके इनकी जो है यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है। ये पर्सन बार बार एक ही सिचुएशन में या फिर कहें तो एक ही तरीके से, कहीं इनका जैसे होता है ना कि हमें किसी ने रूम में लॉक कर दिया और हम निकलना तो चाहते हैं, हम दरवाज़ा पीट रहे हैं कि खोल दो, लेकिन कोई नहीं आता खोलने के लिए। वही सिचुएशन जो है ना यहाँ पे आपके जो पार्टनर की है वो हुई है। आपके पार्टनर अपने आप में ही गुम है, अपने आप को ही खोजते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। आप जब इनकी लाइफ चले गए हो, आपका और इनका ब्रेकअप हो गया है, तब से ये पर्सन बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं और ज़बरदस्त शिकार हुए हैं। ये पर्सन इतने शिकार हुए हैं कि ये पर्सन निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोई ट्राई भी कर रहा है, आप ही ट्राई कर रहे हो इस पर्सन को बाहर निकालने की, लेकिन ये पर्सन नहीं निकल पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको किसी ने जो है ना जकड़ लिया है, किसी ने पकड़ लिया है इनको और नहीं छोड़ रहा है। वैसे ये पर्सन चीखते हुए चिल्लाते हुए दर्द से कराहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत दर्द में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इनके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा। आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे एकदम से होता है ना कि लाइफ को आगे लेके तो जाना है, बट आगे लेके जा नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। इनका जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो ना, ये थ्री ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि बहुत बहुत बुरी तरीके से इनका दिल टूटा है, इनका दिल टूटा है और इन्होंने अपने अंदर आदतें बदलनी स्टार्ट की हैं आपसे, ठीक है। शराब, सिगरेट है ना, ये सारे जो लोग के पर्सन पीते होंगे उन्होंने स्टार्ट कर दिया फिर से, क्योंकि आदतें हैं ना। जब आपकी याद आती है तो ये नहीं कि फ़ोन करके बात कर ले, इस पर्सन के अंदर वो आदत नहीं है, ये सीधे खम्बा लेके बैठ जाते हैं, गटकाने लगते हैं। आपके जो पार्टनर है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। ये पर्सन आज भी बहुत परेशान है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। ऐसा ये पर्सन को कहीं ना कहीं होप मिल रही है कि आप भी इनके अंदर इंटरेस्टेड हो, या आप इनके साथ आने के लिए रेडी हो, या आप इनके साथ आना चाह रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं से इनको फील हो रहा है, चाहे इनको कोई बोल रहा है, चाहे इनको कोई मतलब एक अपनी इंट्यूशन पावर जो है ना इस पर्सन की गाइड करती हुई दिख रही है। इस पर्सन के एंसेस्टर्स इस हालत में देख रहे हैं तो इनको परेशान, मतलब वो लोग परेशान हो जा रहे हैं। और अभी चल रहा है पितृपक्ष है ना, पितृपक्ष चल रहा है ना, और इस दौरान ये पर्सन ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा परेशानी इनको आ रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाइड है ना, हिडन फीलिंग्स हैं इनकी। ये पर्सन जो है ना आपसे अपने सच को बता नहीं पा रहे हैं कि ये हालत है इनकी, ये इस हालत में है, ये पर्सन आपसे बता ही नहीं पा रहे हैं। और पता नहीं बता पाएंगे कि नहीं, इनको नहीं लगता है कि ये पर्सन बता पाएंगे। हालांकि ये जो पर्सन है आपके साथ बस फ्यूचर चाहते हैं, इनकी खुशी बस एक ही चीज़ में है कि आपके साथ फ्यूचर चाहिए इनको, ठीक। ये पर्सन की फीलिंग मुझे दिख रही है, बहुत परेशान है ये पर्सन, ठीक है। इनके अंदर बड़ा बदलाव आया है और बड़ा, जैसे कि ये पर्सन दिल खोल के रोते हुए दिख रहे हैं। आपने सुना है कि बहुत चीख चीख के रोना, अपने दिल की भड़ास, अपने दिल की फीलिंग्स को निकालना, वही करते हुए ये पर्सन चीख चीख के रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीख चीख के रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। जस्ट अ मिनट। आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा जस्ट अ मिनट मैं लिख रही हूँ आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा परेशान अवस्था में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ फ्यूचर को सोचते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर कैसे होगा, ये इस गंदगी की वजह से होगा, नहीं होगा ना। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ कप्स, द स्टार, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो यहाँ पे सुन लो, मैं जो है यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में हैं, और आपके जो पार्टनर हैं ये पर्सन अपने दिल में जिस तरीके से आपको कहता ना कि मिस करते हुए दिख रहे ना, उस तरीके से आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये पर्सन मिस कर रहे हैं। चीख चीख कर रोने के साथ साथ ये पर्सन को आज भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्सन इतने ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं। इनको इनका डर है ना, इनको इनका डर बाहर नहीं निकल पा रहा है, इनका डर इनको आगे नहीं आने दे रहा है, इनका डर इनको आगे की तरफ ले जाने की सोच ही नहीं पा रहा है। इतना ज़्यादा ये पर्सन डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतना ज़्यादा दर्द में होते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने भी बोला होगा इनको कि तुम डिसीज़न लो, और ये पर्सन उसी बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन अपने आप को रूट दिखा रहे हैं आपके सामने, अपने आप को दिखा रहे हैं कि ठीक है मैं डिसीज़न लूँगा, मैं डिसीज़न लूँगा, अपना बड़ा रूट फेस दिखा रहे हैं ये पर्सन आपको, अगर आपसे बातें हो रही हैं तो। और ये अपने आप को कंट्रोल भी करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल होगा तब तो, कंट्रोल होना भी तो चाहिए, नहीं हो पा रहा है इनसे कंट्रोल, इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस इनके खुद ही कंट्रोल में नहीं है। और मुझे दिखता है कि ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल में जब नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को जो है तकलीफ़ में देखते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर को इफ़ेक्ट डाल रही हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। आपके पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में, यानी कि आपके पार्टनर बस अपनी किस्मत और भाग्य को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादातर जो है ना किस्मत की बातें करते होंगे, भाग्य की बातें करते होंगे, है ना। यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोचते होंगे या सोचते हैं, आपको पहले भी बोलते हैं कि यार सब कुछ भाग्य में लिखा है, अगर तुम मेरे लाइफ में रही ना तो ज़रूर मिलोगी, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये सब कुछ क्या करते हैं, भाग्य पे सौंप देते हैं, अपना खुद का कर्मा नहीं करना है इनको। ऐसे लोगों को प्यार कभी नहीं मिलता है, जो लोग भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है भाग्य में लिखा होगा तो घूम फिर के आएगा, ठीक है बट अपनी तरफ से एफर्ट भी तो डाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ एहसास बहुत प्यारा किया है, यानी कि एक तरीके से आपके साथ को इन्होंने महसूस किया है, ऐसा महसूस किया है कि आप इनके साथ कभी भी दगाबाजी नहीं करोगे, कभी भी धोखा नहीं दोगे, हमेशा लॉयल रहोगे, हमेशा। आप ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ ये पर्सन अगर बच्चे से भी होंगे साथ में, अगर बूढ़े भी हो जाएं, तो भी आपके अंदर वो भावना नहीं आएगी कि मैं तुम्हारे साथ चीट करूँगी या करूँगा। ये पर्सन इतने ज़्यादा अलग से एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके, बहुत अलग सी एनर्जी है, बहुत अलग सी फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। ये पर्सन इंतज़ार में है, ये पर्सन इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर इंतज़ार में इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप भी इनके इंतज़ार में हो, आप भी इनसे इतना ही प्यार करते हो जितना कि ये पर्सन आपसे करते हैं, ठीक है।
चाहे आपके पास भी हज़ार चीज़ें ख़राब हो गई हैं, हज़ार चीज़ें जो है ना आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आप इस पर्सन से प्यार करना नहीं छोड़ोगे, चाहे जो भी हो जाए, है ना, चाहे जो भी हो जाए इस पर्सन से प्यार नहीं ख़त्म होगा आपका। इस पर्सन को भरोसा है। नाइन ऑफ वॉन्ट्स, नाइन ऑफ वॉन्ट्स, देखो कार्ड, कार्ड बस देखते जाओ आप। थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, द लवर्स, प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं, टू ऑफ कप्स। मैं जानती हूँ ना कि आप प्यार करते हो, बहुत गहरा है आपका रिश्ता आपके तरफ से। आप अपने पार्टनर को ना कभी भी भुला नहीं सकते हो, कभी भी नहीं भुला सकते हो। आप अपने पार्टनर को इस तरीके से मान चुके हो, दिल से इस तरीके से अपने दिल में बसा चुके हो ना, कि आपके दिल से वो पर्सन बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और बाहर आप खुद नहीं निकालना चाह रहे हो। ठीक है, इसमें आपके पार्टनर का दोष नहीं है, इसमें पूरा का पूरा आपका ही है कि नहीं नहीं मुझे तो उसे बाहर ही नहीं निकालना है, मुझे उसे उससे प्यार करना है, उससे बातें करनी है, उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है आपका, मुझे ये दिख रहा है। प्यार और भरोसा है ना आपके अंदर है अपने पार्टनर को लेकर के। इतना प्यार तो आपने यार अपने पेरेंट्स से भी नहीं किया होगा जितना आप इस पर्सन से करते हो, मुझे जहाँ तक लगता है। कुछ लोगों का अटूट प्रेम है ये, बहुत ज़्यादा प्रेम, इतना गहरा प्रेम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुझे दिखता है कि बहुत ही एक डीप कनेक्शन को यहाँ पे कार्ड दर्शा रहा है। डीप कनेक्शन को समझ रहे हो, डीप कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जो आदमी कभी भुला ना पाए, जो आदमी कभी भी किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे, है ना, कभी भी किसी भी कीमत पे वो ख़त्म ही ना हो पाए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे फील होती हुई दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना आपको लेकर के, स्पेशली आपको लेकर के यहाँ पे ये सोचते हुए या फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप भी यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ में इन और आउट करना कब छोड़ेगा, कब मुझे परेशान करना छोड़ेगा, कब ये मेरे प्यार को समझेगा। आप तो ये सोचना चाह, ये सोच रहे हो, आप सोचना चाह नहीं रहे हो, सोच रहे हो आप कि मेरे प्यार को समझेगा कब। आपने इनके लिए बहुत सारी कुछ चीज़ें, मैं कहूँ कि सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें समझी हैं। अब आपके अंदर भी वही डर है जो आपके पार्टनर के अंदर है, खोने का डर दोनों को है। प्यार तो दोनों करते हो, प्यार आपका रियल है आपके पार्टनर के लिए, और अट्रैक्शन भी आपको काफ़ी ज़्यादा हो रही है आजकल अपने पार्टनर की तरफ सेक्सुअली, है ना। आप यही सोच रहे हो कि यार वो कब आएगा, कब आएगी, कब मिलेगी मुझसे, कब बातें करेगी, कब हम घंटों बैठ के बातें करेंगे, कब हम दोनों के बीच में ये दूरियां ख़त्म होंगी। आप यही सोचते हो, आप विजुअलाइज करते हो, विजुअलाइजेशन यूज़ करते हो, टेक्निक यूज़ करते हो आप विजुअलाइजेशन की, और आप विजुअलाइज करके अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो। आप मंत्र जाप करके अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, है ना। आपको ये दिख रहा है क्लियरली कि आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें मिलेंगी लाइफ में करने को, बहुत सारी चीज़ें, बट ये जो आपके पार्टनर है ना वो आपको लाइफ में मिले ना मिले, है ना, आपको इस बात पे थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं उसकी शादी कहीं और हो गई, किसी और के साथ उसकी शादी फिक्स हो गई, उसके मम्मी पापा ने कर दिया, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगी, फिर आप अफसोस में बैठो। ठीक है, मुझे दिखता है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है शादी करने की, और आपको प्यार भी है इस पर्सन से, इतना गहरा प्यार है, और इस गहरे प्रेम को कभी भी आप अलविदा नहीं कहना चाहोगे क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट है, है ना, सोलमेट है, और सोलमेट के कनेक्शन को आप ख़त्म नहीं करना चाहते हो, सोलमेट के इस प्यारे से पल को ख़त्म नहीं करना चाहते हो, क्योंकि चाहते हो आप कि आपकी लाइफ में जब भी आए, जो भी आए, बेस्ट आए,
ठीक है, आप अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा प्यार करते हो ना कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है, बहुत प्यार करते हो आप यही सोच रहे हो कि एक बार वो मेरी लाइफ में आ जाए ना, उसके बाद नो चांस, मैं जाने नहीं दूंगी उसको, अपनी लाइफ से मैं जाने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगी उसको मैं, है ना, यहाँ पे ये सोचते हुए दिख रहे हो आप। लेकिन आपके पार्टनर आपको हमेशा जिस तरीके से परेशान करते हैं उस वजह से भी परेशान हो गए हो, और उस वजह से भी परेशानी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। खैर, ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना आपसे प्यार करते हैं, फील करते हैं आपके लिए, और आपके साथ ही आने में इंटरेस्टेड भी हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर आपके हैं और आप उनके हो, दोनों एक दूसरे से मिलोगे, आपकी विश पूरी होगी क्या बोल रही हूँ, आपकी विश पूरी होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। हालांकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई नहीं, मेहनत करना है यार, लगे रहना है ना, लगे रहेंगे कब तक, जब तक हम इस पर्सन को पाना ले पूरी इज्जत के साथ, अपनी इज्जत दे करके किसी को नहीं पाना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के किसी को नहीं पाना, है ना, पाना है अगर वो इज्जत दे तो इज्जत ले, है ना तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग, आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, और कल सुबह आपको दूसरा कुछ देखने को मिलेगा, मतलब कि ये जो है सेट वो दूसरा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ टूर पे, और वहीं से आप लोग के लिए वीडियो शूट करके आप लोग को मैं प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।